ओके जनाब, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, बल्कि हमारे पास तकरीबन 10 मिनट्स हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और अपना नाम बताइएगा प्लीज। अंसारा बुखारी, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं सारा, और आप सुन रही हैं हमें? मैं और आपको आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 years, आई बीन टोटली डिस्कनेक्टेड विद द ब्यूटीफुल रेडियो दैट आई यूज्ड टू लिसन ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज। मैं रात को जब पढ़ा करती थी, और लाइक आई एम अ टॉपर एट द यूनिवर्सिटी, तो सारी रात मेरा साथ रेडियो था, एंड दैट रियली एजुकेटेड मी अ लॉट। मुझे बहुत मजा आता था धीमी आवाज में रेडियो एंड अ कप ऑफ टी एंड माय यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। द बिल्कुल। टीचर्स यूज्ड टू गिव अस अ टफ टाइम, एंड देन दो चीजें मैं अपनी मदर से हमेशा गिला करती हूँ। मैं कहती हूँ, अम्मी ये जो सारा कुछ हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये लाइफ में नहीं होता, एंड लाइफ कम्स अलोंग, बहुत सी चीजें और सीखने को मिलती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी लाइफ, एक तो ये हमें बाद में समझ आता है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट द यूनिवर्सिटी ग्रूम्स यू एंड प्रिपेयर्स यू। The topic that I would like to discuss today is single parenting. I've been a single mother to a son, a beautiful boy, very talented. He has been playing for the national football team. He was taken by the national football team to Korea as well as Saudi. So very talented. He's into modeling right now. माशाल्लाह। So yes, a good 5 waqt namaz padta hai, mashallah, and you know he turned out to be a good boy. So two things, if there are single parents listening to me right now, उनको मैं ये कहूँगी कि एक दो चीजें, एक चीज जो है, when there's an argument between the husband and wife, कोशिश करें कि बच्चे को फादर से जुदा मत करें। तो मैंने बहुत देखा है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली सम ऑफ द अदर सिंगल मदर्स, वो क्या करती हैं कि दे ओवर प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एंड दे टेक देम अवे फ्रॉम द फादर, नहीं बाप से नहीं घुमाना। आई वॉज वेरी यंग, लाइक वेरी यंग व्हेन आई गॉट अ डिवोर्स एंड आई वॉज विद अ चाइल्ड, बट समथिंग इन मी सेड दैट नो, द चाइल्ड नीड्स द फादर एज मच एज ही नीड्स द मदर फॉर अ गुड ग्रूमिंग ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो ये बहुत जरूरी है कि सिंगल मदर को दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी इमोशनल एट द टाइम ऑफ अ डिवोर्स और द टाइम ऑफ अ सेपरेशन, एंड उनको क्या लगता है कि वो अपना एंगर, अपना सब कुछ जो है वो इनडायरेक्टली टू हर्ट द फादर, दे टेक द चाइल्ड अवे फ्रॉम द फादर। तो ये इस्लामिकली भी रॉन्ग है, ये इसको भी छोड़ दें तो आप ये देखेंगे बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत हर्ट होती है। यू आर राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट, आई मीन दैट डोंट डू दिस टू द चाइल्ड। लड़ाई आप दोनों की है, बच्चे को बाप के साथ भी मिलने दें और मदर से भी मिलने दें। सो दैट आई मीन फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देखा कि मेरा बच्चा कॉम्प्लेक्स में जा रहा है इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेपरेशन एवरीथिंग, एंड आई made it a point that every weekend I would send him, barish ho, tufan ho, andhi ho, you have to go and meet your father. So, you know what happened? His personality became very confident. So, I felt that positive change in him within 6 months. So, ek to ye suggestion. Second, child, bachche ke saath kabhi jhoot nahi bol. I used to sit with my child, I used to tell him, look, we tried, it just did not work. And he understood. He was only maybe three, four, six. And he understood. And he was okay with it. Even now he's okay with it. So, do cheeze, ye aap yaad rakhein ki bacche ko father utna hi zaruri hai jitna ek mother zaruri hai. Hum samajhte hain ki mamu, chacha, taya, us father ka jaga nahi jo hai na wo le sakta. Second, the child has to be told the truth. This has happened, and the child is smart enough, intelligent enough to deal with it. Aur usko is complex mein nahi dalenge, you are, you know, it make it normal for him. Okay.
These are the two things that I'd like to, you know, नहीं, share. आपने आपने बहुत ज़बरदस्त बात Thank की you. और मुझे अफसोस हो रहा है कि हम 3:45 बात कर रहे हैं ये वाली। हम अगर 12 बजे करते तो बहुत से और बिल्कुल लोग, स्पेशली जो सिंगल एग्जैक्टली पेरेंट मदर्स हैं या फादर भी हैं, बहुत सारे ऐसे फादर हैं, और उनको जो है ये बहुत हेल्पफुल होती है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा मैं सारा जो खुशी हो रही है इस बात की कि बींग ए वुमन यू आर एडवोकेटिंग कि एक माँ को या बाप को, बच्चे को अपने फादर या मदर से दूर नहीं करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी माएँ हमारे यहाँ, आप देख लीजिए, फैमिली कोर्ट्स भरी पड़ी हैं कि वो एग्जैक्टली बाप से नहीं मिलने देती। आपने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सुना होगा कि एक बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि मैं अपने बाप का नाम वल्दियत से ख़त्म करना चाहती हूँ, ओह माय गॉड मेरे यस मेरी वल्दियत में पाकिस्तान लिखा जाए। चीफ हाँ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने फिर उस वक्त इसके ऊपर राय ली, और आई थिंक जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उनसे या किसी और से, फिर उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, फादर को नहीं बुलाया गया। तो इसके ऊपर ये बहस हुई कि उस लड़की की माँ ने इतनी नफरत भर दी थी बाप के बारे में कि वो नहीं उसने सोचा कि मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ी बदनसीबी शायद मेरा बाप है। एग्जैक्टली डोंट डू दैट बिकॉज देखिए देखिए इट इज अनफॉर्चुनेट बट इट इट इज इज अ अनफॉर्चुनेट। रियलिटी. और एग्जैक्टली मैंने जब डिवोर्स का डिसाइड किया तो मैंने इस्लामिक मैंने अपने उलामा से भी पूछा. मैंने कहा कि इज दिस माई राइट बिकॉज आई टू कसूला. देखिए इस्लाम ये कहता है कि निकाह जो है वो सुन्नत है लेकिन तलाक जो है वो वाजिब है. जब दो लोग आपस में इकट्ठे रह नहीं सकते तो इट इज योर राइट एंड इस्लाम इज द ओनली रिलीजन दैट इज गिविंग यू दिस राइट. एग्जैक्टली, इट्स अ मॉडर्न बिल्कुल अप्रोच. तो मैंने हर चीज को पॉजिटिव लिया और उसके ऊपर बच्चे को मैंने अफेक्ट नहीं होने दिया. मैंने कहा कि नो. नहीं, माशाल्लाह। और एक और चीज जो मैंने मतलब विच इज इवन माई फैमिली अप्रिशिएट आज तक आई मीन टिल डेट आई हैव नेवर सेड अ वर्ड अ बैड वर्ड अबाउट द फादर टू द चाइल्ड. वो कभी आके मुझे कहता है मम्मा बाबा ने, मैंने कहा नो इज योर फादर, नो वन लव यू मोर देन हिम, दैट्स इट. बिल्कुल नो सही, प्रॉब्लम. बिल्कुल सही। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड बिकॉज ही हैज टू बिकम अ फादर टुमारो आई कैन नॉट एग्जैक्टली पुट अ एग्जैक्टली। बैड नेगेटिव इमेज ऑफ अ फादर इन हिज माइंड. सो आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि इसी एक इशू से मेरे कजन गुजर रहे हैं. द मदर इज नॉट लेटिंग द कजन मीट द थ्री किड्स एंड द किड्स आर डाइंग फॉर द फादर एंड दिस शुड नॉट बिकम योर रिवेंज स्ट्रेटजी. दिस शुड नॉट बी फेयर. मतलब ये जिंदगी तो गुजर जानी है ना, आगे अल्लाह को भी हमने जवाब देना है. जी बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। ये सोचा कि रात को 2 बजे अगर इसका फादर उठता है एंड ही इज रिमेम्बरिंग हिज चाइल्ड बिकॉज है तो उसका बेटा, वो तो मुझे बद्दुआ ना दे दे रात को 2 बजे उठ के या 3 बजे उठ के, मैं क्या करूँ. तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड आई कांट डू दिस. बट आई सी अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल डू दैट एंड मेनी फैमिलीज सपोर्ट इट. ही शुडंट डू दैट. चलें, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं प्रोग्राम करूंगा तो आपसे फिर बात होगी, एंड वी विल टॉक मोर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक टेक यू, केयर, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। बाय बाय.